में पोलियो वगैरह इस तरह की शिकायत, इस टाइप की इनके हाथ पर जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उस टाइप की इनको शिकायत नहीं होगी। और इनका न्यू ईयर तो हर साल आता रहता है, बट इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सीधे वैक्सीन लगाने के बाद सीधे इसको घर लेकर आ गए। इतना बुरा लग रहा था, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि जब इसको इतना दर्द में हमने देखा। तो मैं हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पलाग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो मानू की छुट्टी है जैसा कि आप जानते हैं, और न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर में हमारा कुछ खास नहीं होने वाला है। और न्यू ईयर में हम जा रहे हैं अपने सिज्जू को टीका लगवाने के लिए, क्योंकि उसके टीके की डेट है, तो उसे आज हम टीका लगवाएंगे और हम वहीं जाएंगे। और मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, देखिए ना, और आई थिंक सभी जगह इसी तरह का मौसम हो रहा, कहीं भी धूप नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो आज है ये मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग, तो आप सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामना है। आई नो दैट कि मेरा ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि है थोड़ा सा है, बस लेट आएगा, मुझे पता है। मे भी शायद ये 3 या 4 तारीख तक आए जैन में, तो कोई नहीं, पूरा महीना ही न्यू ईयर है, पूरा महीना ही नया साल है। तो बस और क्या बोलूँ दोस्तों, तो इसलिए मानू की छुट्टी पड़ी, तो हमने सोचा इसको टीका लगा ले टाइम से, क्योंकि रावत जी को फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। बाकी मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा शूट नहीं करती, क्योंकि मैं बाहर का इतना ज़्यादा शूट हो जाता कि व्लॉग मेरे बहुत लंबे लंबे हो जा रहे हैं, 14-15 मिनट के। तो बस दोस्तों, जैसे जैसा घटता जाएगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी मैं। तो हेलो दोस्तों, तो हम हो गए बाहर, आधे रास्ते में पहुँच भी गए हैं, और आज हमारे इसको लक्की को लगेगा टीका, उसको टीका लगाना है सेकंड। ये देखो पीछे बैठा है, कहाँ है, कहाँ है, ये है मम्मी, मैंने जगह बना ली है टोकरी के ऊपर। हाँ, तो यहाँ कम्बल बिछा देना मानो, उसमें बैठाना, कम्बल बिछा दिया। तो मस्त है वो इस समय, थोड़ी सी धूप आ जाए, मुँह मुँह धोया तो उसकी यहाँ की मूछी दाढ़ी के बाल भीग गए, तो मैं सोची थोड़ा धूप आ जाए तो मूछी दाढ़ी सूख जाए उसकी। अभी देखते हैं हम कौन से डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वैसे दो जनों से बात करी हमने। टुमक टुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटमा, लाल चरण नारन चूड़ी चल, नाना मेरू नाम छुमे पहाड़ों की बान, जादू देखी मेरी माया का स्वभाव परेशान, घूम सा को सिक्का चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरे हुक्म कोई का, तो अभी तो हम यहाँ निकले भी नहीं है, झांसी रेलवे फाटक पे बड़े बुरी तरह से फंस गए हैं हम लोग। बॉडी इतनी देर तक सोता है ना, ये देखो कैसा बेसुध होके सो रहा है। मानू को तो नींद आई जाती, अरे मानू उड़ गई, अरे वो भी उड़ गया, अरे राहुल की खेनी स्टार्ट हो गई। आज राहुल बहुत इतना आ रहा है नीले कपड़ों में। राहुल ऐसे करना ईश्वर की तरह। अभी मैंने राहुल को डांटा ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो रिएक्शन नहीं देता, तो राहुल ना अब एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रहा है कि मुझे अपच हो जा रही है अब। तो यहाँ आ गए हम माणिक चौक में, और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, देन उसके बाद हम लक्की को इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद उसको फीवर आएगा, तो हम चाहते हैं उसको इंजेक्शन लगाने के बाद हम उसको सीधे घर ले जाएं, यहाँ शॉपिंग वहाँ शॉपिंग करके उसको परेशान ना करें। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इसमें डरेगा नहीं ना, ये थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो उस दिन मार्केट में डर गया था ना ये। हम कश्मीरी वुलन मेला में, और यहाँ देख रहे थे फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्या रेंज है, कैसा कपड़ा है, क्या नहीं है। 50 का, अच्छा बारह में चेयर पीछे को कर दो, ये भी सही लग रहा है। कौन सा,
मानुआ भाई देखो अच्छा, इसमें पीछे डिजाइन है, पीछे रबड़ प्रिंट है इसमें। तुम भी कुछ लोगे? अरे यार हीरो लग रहा है, तो हीरो लग रहा है ना, है छोटा है। हम सिज्जू को ला गए वैक्सीनेशन के लिए और हॉस्पिटल बंद हो चुका था, तो ये यहीं आ गए। हमने इनको कॉल किया तो ये यहीं आ गए हमारे पास, तो इन्होंने इसको यहीं पे वैक्सीन दे दिया। और इस वैक्सीन के द्वारा ये बोले कि पपीज़ को, जैसे कि हम पहले नहीं हो जाता था बच्चों में पोलियो वगैरह इस तरह की शिकायत, इस टाइप की इनके हाथ पर जकड़ जाते हैं अकड़ जाते हैं, उस टाइप की इनको शिकायत नहीं होगी और इनके बालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही हमसे भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती हो इनको इन्फेक्शन वगैरह, वो सबसे ये बचे रहेंगे। और फिलहाल तो ये वाली वैक्सीन इसकी फर्स्ट है, इसके बाद 3 और लगेंगी इसको, तो उसके बाद फिर इसकी वैक्सीनेशन ये वाला पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने हमें बताया कि जब इनको पेन होता है तो इनके साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, इनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है ताकि पेन में ना रहे, और फीवर भी आ जाता है इनको, तो हर किसी को नहीं आता, किसी किसी को फीवर आ जाता है। तो इन्होंने कहा था इसका माइंड डाइवर्ट करते रहना, तो इसके साथ खेलते रहना ताकि इसको फीवर ना आए। आप खेलोगे हाँ, तो कुछ नहीं होगा। उसको अगर वो अकेला बैठ रहेगा हाँ, तो सोचेगा वो दर्द हो रहा हाँ। हमें इसका वेट करना पड़ता है कि कब सो के उठेगा, कब हम खेलेंगे। उल्टा है ये, हमें भाव नहीं देता इसको, जगह जगह के खेलते खेलता ही नहीं है। ये ड्यूटी से आते थे, इनको यही चाहिए, स्कूल से आते इनको यही चाहिए। लग गया, बस 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 इधर आज कुछ नहीं करना, इधर कल ना आइसक्रीम से भर देगा, बर्फ से कर दे रहा दोस्तों। हमने इसको लगवा लिया है टीका, अभी ठीक 21 दिन से 30 दिन के बीच में एक टीका और लगेगा इसको। अभी ये देखो दिखाई दिया था मैंने, रेस्ट कर रहा है। और हम वैसे घूमने के पर्पज़ से आए थे, टीका लगा के घूमेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड ज़्यादा करना, वैसे तो हम करते ही इसके साथ फुल, इसको फीवर आ जाएगा, पता चला हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अभी बाहर कम्फर्टेबल भी नहीं होगा, तो इसलिए हम सोचे घर चले जाएं, इसको काय को परेशान करें, घर जाएंगे तो थोड़ा खेलेगा कूदेगा, तो थोड़ा बीमारी दिमाग इसका डाइवर्ट होगा, तो शायद बुखार ना आए इसको। मैं नहीं चाहती इसको बुखार आए और ये बेचारा परेशान होए, नन्ना सा बच्चा। ये देखो सो गया ये गोद में, इसको गर्मी लग गई, फिर ये यहाँ पे घुस गया, ये देख लो कोने में, तो बस लग गया इसको अब छुट्टी 1 महीने की। अब 1 महीने के बाद इसको 4 लगने, उसने क्या बोला इंजेक्शन का नाम सच में मुझे पता नहीं है, इसकी कॉपी में देखना पड़ेगा। तो ये लग गया है इसको टीका महाराज जी को। हमारी आ गई है कॉफी, यहाँ हम पियेंगे गरम गरम कॉफी। मानो ये देखिए, अरे भैया हाथ जल गओ, हाथ जल गओ दोस्तों, हमारो हाथ जल गओ। राहुल कैसी हो रही, मीठी हो रही है? ये ना रिस्पॉन्स ही नहीं देता मेरे वीडियो में, बहुत नक्शेबाजी दिखाता है दोस्तों। चाय तो सही है, ये चाय नहीं है, ये कॉफी है, बढ़िया हो रही है। मानु और मानु के पापा पी रहे हैं जूस, मानु पिएगी स्ट्रॉबेरी जूस एंड मानु के पापा पियेंगे कौन सा जूस, इस मौसमी का जूस, और मैं पी रही हूँ कॉफी। आजकल कितने बड़े कप चल गए संभालने, मुश्किल हो जा रहे हैं दोस्तों। फीकी भी कड़वी भी, कॉफ़ी किसी को बनानी नहीं आती मेरे सिवा, मैं ही अच्छी बना लेती हूँ। को पत्थर के पहाड़ टीले दोस्तों, बंजर पत्थर है ये। मेरी जान तूने मुझको पागल है।
है किया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जा मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जा। ये देखिए मेला जिंदगी का मेला चरखा घूमेला हाँ बच्चे खेलते हैं यहाँ पे है थोड़ी बहुत भीड़ ऐसा नहीं है ये तो उठने वाला था उठा नहीं इस चरखी से ही रौनक हो रही है ना लास्ट टाइम बहुत टाइम लग गया तो घर लाने के बाद फिलहाल तो ये फुर्तीला ही था खूब खेल रहा था हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं करी हमने कहा न्यू ईयर तो हर साल आता रहता है बट इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हम सीधे वैक्सीन लगाने के बाद सीधे इसको घर लेकर आ गए एक जगह हम शॉपिंग के लिए गए थे राहुल के लिए हमें हुडी लेनी थी बट वहाँ पर हमने वैक्सीन नहीं लगाई थी हुडी लेने के बाद वैक्सीन लगा के हम सीधे घर आ गए और बस इसी तरह से रहा हमारा न्यू ईयर अपने पप्पी को हमने इन्फेक्शन से बचा लिया और क्या चाहिए तो रावत जी हैं इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसके साथ कंटिन्यू खेलते रहे। ओके तो दोस्तों हम आ गए घर और मानू गई है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में उसकी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था तो सीधे वहाँ से आई उसके चक्कर में हम जल्दी आ गए एक सेकंड सब फैला फैला सा हाँ तो उसके चक्कर में हम लोग जल्दी आ गए कह रहे थे मुझे बर्थडे मिस नहीं करना मुझे बर्थडे में जाना है तो जाना है किसी किसी बर्थडे में हम उसको ना जबरदस्ती भेज दें किसी किसी बर्थडे में वो ज़बरदस्ती जाती है जब हम सोचते थक गए आराम से जाएंगे नहीं 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 बोली मुझे किसी भी हालत में पहुंचा और वैसे भी इसको आज टीका लग गया है तो मतलब इंजेक्शन वैक्सीन जो भी बोलो तो हमने सोचा ज़्यादा वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते तब भी अंधेरा हो गया लगा लिया हमने कुछ नहीं किया हम लोग वहाँ गए हैं और एक हमने राहुल ने अपने लिए एक हुडी ली बस एक बस मार्केट का अंदाज़ा नहीं आया ना आपको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मार्केट क्या मार्केट फिर हमें और जगह भी घूमना था फिर ना ये कम्फर्टेबल नहीं हो रहा था तो फिर हमने ही घूमना हमने कहा चलो घर चलते हैं घर आके खुश हो गया देखो हमारे राजकुमार का उत्पात मचाए रहो है हम एक शॉप में गए इसको ना उसमें बास्केट में तो ले गए थे तो मैंने कहा इसको बाहर निकालो इसको सूसू करना होगा तो राहुल बोला बास्केट में पन्नी तो बीच वो कंबल तो बिछा उसी में कर देगा मैं कहने उसमें नहीं करेगा वो ऐसा करके फिर निकाला जैसे ही निकाला ऐसे शॉप में ही सुसु कर दी मेरे को तो इतना अजीब हो गया लेकिन शॉपकीपर कुछ बोला नहीं उसने स्माइल करके जाने दिया मतलब सोच कितनी बड़ी हो गई आपकी बहुत बड़ी है सोच मेरी पहले भी बड़ी थी लोग ही छोटे थे राहुल मैं थक गई यार पूरी 3 रील बनाई मैंने अरे तीन रील बनाई मैंने क्यों बाप रे बाप आज एक साथ 3 रील बना दी थकना तो जायज था ना थकना लाजमी आज काम भी इतना किया है ना जब देखो दिन भर लगी रही थी मना करते हैं मत किया करो है ना ठंड है दिन भर एक रील बनाओ है कुछ ना कुछ काम किया ही करती हो एक रील बनाया करो है ना 3 रील बनाने से ठंड लगेगी क्या पागल हो क्या 3 रील बनाने कितनी मेहनत लगती है तूने करी जिंदगी में ऐसा कितनी मेहनत नहीं मैंने नहीं करी ये भी थक गया मेरे साथ मेरा लाडला तो ये रेडी हो गया मेरे शिज्जू का बैट यहाँ पे इसके बीच में सोता है वो तो ये टैडी एक टॉय सक के कोजी करती बड़े प्यार से सो जाता है अच्छा लगता है इसको अभी वो फिलहाल ऊपर बेड में सोया है मानू के साथ है मानू
वैसे तो ये आधा घंटा खेलने के बाद सो ही जाता, बट यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत पेन होने लग गया था क्योंकि ये जरा सी भी करवट ले रहा था तो चिल्ला रहा था, तो सभी का लगा लो कि कलेजा मुंह को ही आ रहा था। फिर इसने खाना भी नहीं खाया, खाना देख के वरना ये इतना उछलता तो सबको इतना बुरा लग रहा था। हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि जब इसको इतना दर्द में हमने देखा तो हमें अच्छा नहीं लगा। रात को भी फिर इसके बाद ये उठा ही नहीं और रात को सो गया, खेला ही नहीं। हमने बहुत कोशिश करी, उसको पेन हो रहा था तो हमने उससे ज़बरदस्ती नहीं करी खेलने के लिए। उसके बाद हमने सुला लिया था कि थैंक गॉड बस इसको फीवर नहीं आया था और नेक्स्ट डे ये बिल्कुल आराम से और अच्छे से उठा खेला। तो दोस्तों, तो अभी सब खा पी के बिल्कुल टाइट हो गए, सो गए हैं। और राहुल तो कब का सो गया, ये लोग भी देखिए बिस्तर पे बिल्कुल टल्ली हो गए सोने के लिए। और छज्जू भी सो गया है, थोड़ी देर खेला वो, उसके बाद सो गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके साथ खेलना अदरवाइज इसको फीवर आ जाएगा, उसको बिजी रखना, ऐसा उनका मानना। मुझे तो इतना ही नॉलेज नहीं है, तो हमने फुल टू टाइम उसको दे रख दिया मतलब। और अब नेक्स्ट टीका उसको 21 दिन बाद लगेगा, 21 या 30 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हम 21 दिन में ही कोशिश करेंगे, 30 डेज तक हम जाएंगे नहीं। और बस दोस्तों, अब ब्लॉग का एंड करने चली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूंगी मैं आपसे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।